तो ये है ग्लेंका 1045, फोर बर्नर्स, स्टेनलेस स्टील, कुकटॉप, ऑटोमेटिक इग्निशन, मल्टी स्पार्क ऑटो इग्निशन है, बेसिकली एक बटन है इसमें, फ्यूल एफिशिएंट ब्रास बर्नर्स हैं इसमें और 2 इयर्स की वारंटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके प्रोडक्ट डायमेंशंस हैं 700 लेंथ, 565 विड्थ और 110 mm जो है इसकी हाइट है, जिसको मैंने बाद में हाइट को मैंने ऑल्टर करा लिया डीलर से ही, क्योंकि हाइट कम हो रही थी। टोटल वेट इसका है 9 kgs अप्रॉक्सीमेटली। प्राइस इसका इन्होंने लिखा है 10,395, जबकि मैंने इसे लिया है 8,500 रुपीज़ में। मेड इन इंडिया है ये, ISI मार्क्ड है ये। हम बॉक्स के अंदर देखते हैं स्टोव के अलावा, स्टोव तो है ही है, उसके अलावा क्या क्या है। तो ये एक यूज़र गाइड है, ये स्टेनलेस स्टील है तो 2 इयर्स की वारंटी है इस पर। हाउ टू यूज, हाउ टू यूज गाइड है ये, और साथ में ये इन्होंने दिया है आपको सपोर्ट, एक बर्नर सपोर्ट। तो ये सब है इसके अंदर। ये वारंटी के लिए आपको डीलर की स्टैंप और सिग्नेचर और साथ में बिल तो चाहिए ही चाहिए। स्टैंप और सिग्नेचर के बिना भी चलेगा, लेकिन आपको बिल चाहिए इसके साथ। तो ये है ग्लेंका 1045 स्टेनलेस स्टील ऑटोमेटिक इग्निशन गैस स्टोव, फोर बर्नर। तो इसमें एक तो ये जंबो बर्नर है, ये दो छोटे बर्नर हैं और ये जो है ये थोड़े बड़े साइज का बर्नर है। ये ग्लेंका की हेल्पलाइन का नंबर है अगर कोई कंप्लेंट हो तो। हमारी पाइप गैस सप्लाई है IGL से, तो उसका कनेक्शन किया हुआ है। तो ये जो है ये ऑटो इग्निशन का बटन है। इसके साथ में ये जो है 4 लेग्स आती हैं, पर ये छोटे साइज की हैं। तो नीचे इसको लगाने के बाद नीचे तवा वगैरह जो है वो नहीं आएगा, तो इसलिए हमने डीलर को कह के ये बड़ी वाली लेग्स लगवाई है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है वो तवा वगैरह इसके नीचे आराम से आ सकता है। ये जो है ये भी रिमूवेबल है, इसके अंदर जो ड्रिप ट्रे है वो अलग से नहीं है, नीचे से ऐसे स्टील का ही है पूरा। ये जो है ये भी काफी हैवी हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। बटन्स में इनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी, कि जैसे फुल पे है और सिम पे। हमें यहाँ पे कुछ कलरिंग वगैरह करनी पड़ेगी। ओवरऑल इट्स अ गुड बाय। देखिए ये गैस स्टोव जो है ये साइड से ऐसे कर्व्ड है चारों साइड से, इसके पीछे जो ये इनलेट पाइप है वो ये पीछे है और ये 360 डिग्री मूव कर सकती है
तो आप इसे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है कि ये 360 डिग्री मूव कर सकती है। वहाँ पे हमने रेड कलर कर दिया है ताकि पता रहे कि ऑफ है। यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, छपा हुआ है कि फ्लेम सिम है या फुल है, लेकिन स्टील के ऊपर इतनी क्लियरली नहीं दिखाई देता है।